हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मिथिलाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चाउमीन रेसिपी, कि कैसे आप घर पे स्वादिष्ट और डिलीशियस बना सकते हैं, तो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं पहले एक चाउमीन रेसिपी की वीडियो डाल रखी है शॉर्ट वीडियो में, तो आज मैं फिर दोबारा से आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में पानी रख दिया है 1 लीटर के तकरीबन, और पानी जब गर्म हो गया है तो उसमें मैं जो चाउमीन है उसको डाली हूँ, और ऊपर से मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि चाउमीन जब आप बॉयल करते हैं तो चिपकता नहीं है, और थोड़ा इसमें नमक भी डाल दूँगी और इसको मैं बॉयल कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को हाई पे रखा है, हाई फ्लेम पे ही बॉयल करना है कि आपका चाउमीन अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। तो ऑलमोस्ट हमारा चाउमीन जो है बॉयल हो गया है, और मैं एक जालीदार कढ़ाई में इसको अलग निकाल ली हूँ। ऊपर से मैं ठंडे पानी से इसको धो लूँगी कि चाउमीन जो है कि चिपकेगा नहीं। तो हमने यहाँ पे धो लिया, अब मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी कि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा। इधर मैं उसी कढ़ाई को फिर से दोबारा गैस पे रखी हूँ, और उसमें डाली हूँ 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो बारीक कटी हुई यहाँ पे हमने पत्ता गोभी डाली है, और 1 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और 1 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। और हमने लंबे लंबे ही काटे था क्योंकि चाउमीन में ऐसे ही काट के इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा नमक भी डाल दूँगी, ज़्यादा नमक नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट चाउमीन जब बॉयल की हूँ तो उसमें नमक है। और अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर तक सौटे की हूँ, और इसके बाद बॉयल की हुआ चाउमीन इसमें मिक्स कर दी हूँ। 1 बड़े चम्मच ब्लैक पेपर का पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, 2 बड़े चम्मच के तकरीबन हमने यहाँ पर सोया सॉस डाला है, और 2 बड़े चम्मच के तकरीबन यहाँ पे मैं ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, और 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस। तो हमने डाल दिया, और अच्छी तरह से मैं 2 चम्मच पलटे की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो ऐसे ही मिक्स करना है। जब भी आप चाउमीन बनाएं तो ख्याल रखें कि 2 आपके हाथ में बड़े चम्मच हों चाहे पलटे हों, और अच्छी तरह से मिक्स करना होता है, तभी आपका चाउमीन परफेक्ट बनेगा। तो ऐसे ही चलाती हूँ मैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मैं मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी चाउमीन बनके तैयार हो गई है। अब मैं प्लेटिंग करके आप सभी से शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी और डिलीशियस हमारा चाउमीन बनके तैयार हुआ है। ऊपर से मैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कुछ हरी धनिया पत्ते और ग्रेट किया हुआ अदरक से मैं गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो अदरक को जब आप प्याज वगैरह भून रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, मैं ऊपर से ही डाली हूँ। तो फ्रेंड्स, होप कि हमारी ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।